जो जो ड्रिल ड्रिल का जो प्रैक्टिस है ना, इसीलिए ड्रिल दे रहा हूँ कि हाँ, तो ड्रिल का प्रैक्टिस इसीलिए दे रहे हैं कि ये जो बॉडी आपका जो बैंड होना चाहिए, साइड बैंड होना चाहिए, अगर आपने इधर आया, इधर आने के बाद में अगर आपका ये बॉडी बैंड नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। बॉडी ऐसा नहीं, बॉडी ये बैंड परफेक्ट है ये ड्रिल प्रैक्टिस आपने करना है। ओके चलो सामने कवर पे जाओ, पीछे दो लड़के आओ इधर। अभी सब कोण हटा दीजिए, छोड़ दो छोड़ दो, कवर पे आ जाओ। हाँ लड़के आ जाओ, एक बार इधर हैंड टच मारना है, दूसरी बार उधर आगे जाने के बाद, पीछे आने के बाद उसको हाथ मारना है, एक बार उधर जाने के बाद में इसको हाथ मारना है, दूसरी बार उधर से पीछे से आगे आने के बाद में उसको हाथ मारना है। समझ गए? चल हाँ, अभी जैसे मानो मैं पोजिशन, ये पीछे आया, मैं पीछे आके इसको मारा, एक खत्म, ठीक है। दूसरा मैं क्या किया, आगे गया, ये पीछे आया और मैंने इसको मारा, दोनों प्रैक्टिस करना है। गो, ये क्या है, रुक जा, ये क्या है, ये क्या है, पैर खोल। हाँ करेक्ट करेक्ट, यहां से थोड़ा उधर जा फिर मार, तेरे साथ में पीछे जाए ना तब। हाँ करेक्ट, आ गया आ गया, आ जा आ गया, आ जा। हाँ अब पीछे जाते टाइम में पीछा स्टेप लगते इसको मार देना है, गो मार, करेक्ट, फिर चल, अभी आगे आ जा, पहले से आगे आ जा। हाँ आओ, उस ए आगे क्यों निकलता है, मैं क्या बोला, आ गया, अब जब जाएगा तो उसको मार दे, जब आगे आ रहा है ना तब पीछे जाके उसको मार दे, जा आगे। हाँ आ गया आ गया, हाँ मार दे उसको, कर एक, अभी आगे आ जा, पहले से आगे आ जा, पीछे जा, हाँ मार दे इसको, करेक्ट, दोनों प्रैक्टिस हो गया, करेक्ट है ना। ऐसा गेम सिचुएशन में ऐसा प्रैक्टिस करना है, ये दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा, उसको मारने के लिए और इसको मारने के, ऐसा ऐसा ड्रिल प्रैक्टिस देना है। अगर ऐसा नहीं दिया देन IQ फिक्स नहीं होगा, हैंड का एक्सटेंशन नहीं होगा, हाथ का स्विंग परफेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट है। जाओ चारों बार, लड़कियां आ जाओ इधर, खड़े हो, रेडर आओ, रेडर कौन है, रेडर कौन है, हाँ जाओ, सेम ड्रिल प्रैक्टिस करना है, चलो। हाँ हाँ पीछे जाके मार दे, हाँ करेक्ट गुड, फिर आ जा इधर, आगे जा, पहले आगे खड़ी हो जा, आगे पहले आगे खड़ी हो, हाँ रुक जा, हाँ पीछे आ, पीछे आगे मार दे, आगे वाली को, जमीन पर हाथ गया, मारा क्या, पकड़ रहे हैं क्या, फिर लगना ही है आपको। जिस समय प्रैक्टिस करा रहे हो उस समय सुनो, सुन लो पहले सब, जिस समय आप प्रैक्टिस करा रहे हो उस समय उसको टच करने के लिए पोजीशन देना है। प्रैक्टिस किसका है, उसको प्रैक्टिस नहीं दिया तो वो डमी प्रैक्टिस कर जाएगी, उसका आदत होना है कि वो आपको टच करे ही, अगर आपने उसको नहीं किया देन उसकी डमी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिना टच के जाने के, हाथ घुमाने की आदत हो जाएगी, इसलिए आप उसको उतना ही जाना है जितना वो टच कर सके, करेक्ट है। फिर थोड़े करेगी, बाद में फिर थोड़ा और जाओगे, फिर थोड़ा और करेगी, फिर थोड़ा और जाओगे, फिर थोड़ा और करेगी, उससे उसकी जो टच करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, करेक्ट है ना। अच्छा बैठे, पहले इसको करना है, आगे चली जा, हाँ, मार दे इसको, हाँ मार, हाथ कहाँ गया, पीछे नहीं जा, हाथ आगे आ, चलो फिर गुड। पता ही नहीं इसको कहाँ मार रही है, मालूम है क्या, मैं बोला तो नीचे, नहीं तो कह रही किधर मार, किधर मारा था मुझे बता,
रुक जा, किधर मारना चाहती है? तो हाथ नी की तरफ जाएगा नहीं, करेक्ट है? चलिए, करेक्ट, फिर चल, करेक्ट। देख लो कितना दूर से मार रही है। मैं वही बोलता हूँ, तुम लोग हाथ मारने के टाइम पैर इधर दे देते हो, बाद में मारते हो, तो फायदा क्या है? वेरी गुड, गुड। आ जाओ, आगे हो, आगे चली जा पहले से। हाँ, ए ये क्या है? पास में कर, घुटने बैंड कर। हाँ, आगे जा, पीछे आ, मार दे आगे वाले को। करेक्ट, लगा क्या? गुड।